नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी सोच और अंतर्मन की दुनिया अक्सर हमारी असल जिंदगी से अलग होती है। कई बार तो हमारे सपने और हमारी इच्छाएं इतनी बहुमुखी होती है कि हम एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी रहे होते हैं। हर जिंदगी का अपना एक कद, अपनी एक सीमा होती है। औरतों के अलग संघर्ष होते हैं, पुरुषों की अलग चुनौतियां होती हैं। लेकिन ना कोई पुरुष औरत की और ना कोई औरत पुरुष की जिंदगी जी सकती है। लेकिन इस केस की व्यथा आपको इस तरह हिला देगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या किसी की जिंदगी का स्वरूप इतना विकराल भी हो सकता है। ये बिस्तर की सिलवटें, ये टूटी चूड़ी के टुकड़े, ये चप्पल, ये पायल, वो कमरे की खिड़की, खिड़की से आने वाले तूफान का शोर, और शोर के बीच है मौत की गहरी खामोशी। लेकिन मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूं। तुम्हें ओढ़ लेता हूं तो जिंदा हो जाता हूं। पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैंने कई नाकू चने चबा देने वाले केसेस सॉल्व किए। मेरे काम करने के तरीके, मेरी बहादुरी के लिए मुझे बहुत से मेडल भी मिले। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे पुलिस ऑफिसर को भी सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। ये केस भी बिल्कुल वैसा ही था। इस केस की खोई हुई कड़ियों को जोड़ते वक्त कई बार मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या मैं इस केस की गुत्थी को सुलझा पाऊंगा। एक्चुअली ये केस अपने आप में इतना विचित्र था कि इस केस को केस स्टडी बनाकर पुलिस अकेडमी के करिकुलम में जोड़ दिया गया। आई वुड से ये केस मेरे करियर के वन ऑफ द टफेस्ट केसेस में से एक था। ये सब क्या है? अरे जेंडर नहीं बदला है, सिर्फ लुक बदला है। पर आप होश में तो है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी आके बात करता हूँ। पर आप ऐसे ही ऑफिस जाएंगे क्या? सुनिए सुनिए। पूजा, ये कौन था? वो आपके देवर ही थे। संचित भैया, आप ऐसे? संचित भैया, पहले गन्नू गुजरा और अब संचित ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये अचानक से हो क्या रहा है ये सब? माँ जी, मैंने संचित जी को पहले भी हमारे कमरे में बिंदी लगाते हुए देखा था, पर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। मुझे तो लगता है संचित भैया में कोई गन्नू की आत्मा तो नहीं है। लतिका, क्या कुछ भी बोले जा रही है? हाँ देखो, अगर कोई आत्मा का चक्कर वक्कर भी है तो गन्नू की आत्मा उसे लड़की क्यों बनाएगी? मुझे तो ना ये कोई मेंटल डिसऑर्डर लग रहा है। सरिता, वो त्रिदेव इंटरप्राइज की रिपोर्ट सबमिट करने से तुम्हें कितना टाइम लगेगा? वो फाइल तो मैंने संचित को दी थी मैडम। लेकिन आप कौन है जो मुझसे ये सब पूछ रही है? मजाक बंद करो सरिता। मजाक तुम कर रहे हो? किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है जो ये रिहर्सल चल रही है? साड़ी चाहिए तो मैं दूं? दुपट्टा 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 ये चलेगा। ये देखो, पापा कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा है उसने।
वो हमारा पड़ोसी गोविंद अभी आते हुए मेरी टांग खींच रहा था, बोला तुम्हारी एक और बहन है क्या जो संचित जैसी दिखती है? पापा इस तरह मुंह लटका के कुछ। ये लीजिए, आ गई आपकी सुपुत्री, उतारिए इसकी आरती। अब संचित तो अपने साथ हमारा क्यों मजाक उड़वा रहा है? ये जो भी कुछ हो रहा है ना पापा, इसके जिम्मेदार आप हैं। मेरी वजह से? कहना क्या चाहता है तू? आपको नहीं पता मैं क्या? पापा इसके ना होश उड़ गए। ये क्या, ये हटाई तो सकते और समझ जा वरना अच्छा नहीं होगा। देख भैया मैं ना अपने पूरे होश में, और मैं जैसा भी हूँ ना, मैं जैसा भी हूँ मुझे मेरे हाल पे छोड़। संचित लतिका तुझे मजाक लग रहा है? ये फहरिश्त बड़ी तेजी से 2 से 3 और फिर 4, 5, 6, 7 का क्रम लेकर ना जाने कितनों को निगलने वाली थी, जो पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बनने वाला था जिनकी उन्हें फिलहाल भनक तक नहीं हुई थी। और इस केस के केंद्र पे था संचित। आखिर क्या वजह थी जो वो एक औरत का भेष धारण करके अपना मजाक उड़वा रहा था? पर संचित हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके जीवन का एक और परिवेश भी था। नेचुरल डेथ या फिर मर्डर केस? पहली मौत की तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन सर जब दूसरी मौत हुई तो हमें थाने में एक अज्ञात आदमी का फोन आया था। उसने कहा कि एक लड़की का मर्डर हुआ। हेलो, एक मिनट रुकिए आप लोग। आई एम सॉरी लेकिन आप लोग अभी लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्या सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? देखिए पहले लाश का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। ये कौन है? सर ये मेरा छोटा भाई है संचित। सर उस घर में सब कुछ है जी, लतिका का भाई संचित काफी लंबे टाइम से औरत के भेष में रहा। लतिका का पोस्टमार्टम हुआ था? जी सर, लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि उसकी सडन डेथ हार्ट अटैक के कारण हुई, जिस वजह से यहाँ पे अफवाह फैल गई कि उसने किसी चुड़ैल को देखा होगा। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा लतिका के भाई के बारे में क्या बता रहे थे तुम, ये औरतों के भेष में रहता है? क्या है ये सब, क्या पहना है ये? मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रहे हो और क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो, पर तुम्हारी वजह से मेरे ऑफिस का माहौल बिगड़ रहा है। सर ये मेरी मजबूरी है, आप ही बताइए सर, आपने मेरे काम में कभी कोई कमी देखी है? सर मेरा पहनावा मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन सर मैंने इस ऑफिस में हमेशा दिल लगाकर काम किया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हें 15 दिन का टाइम और दिया है ताकि तुम पहले की तरह नॉर्मल होकर के ऑफिस में आ सको, और अगर नहीं आ पाए ना तो आई एम सॉरी मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। जी सर। फोन क्यों उठा रही हूँ मेरा? तो मेरे घर में कुछ होगी। नमस्ते चाची, ठीक हो? मेरी खबर मत ले, पहले तू अपनी खबर दे। एक हफ्ते की छुट्टी मांग के गई थी तू, एक महीने के बाद आ रही है तू। देखो चाची जी, बुरा मत मानना, लेकिन जब से सुना लतिका दीदी ने चुड़ैल देखी थी तब से डर सा बैठ गया था, लेकिन अब पेट तो पालना ही है इसीलिए आ गई। अच्छा वो आपको याद है ना मेरी तनख्वाह भी बकाया है? हाँ 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 याद है मुझे,
जा मेरा पूजा घर साफ कर दे पहले। ठीक। अरे जया तुम आ गई। हाँ दीदी। वो कीर्ति भाभी नहीं दिखाई दे रहे? बाहर गई है वो, तू अपना काम कर। अरे उस मोहल्ले की रोज की कहानी है, अगर कोई खून खराबा नहीं हुआ तो जाने दे, वैसे भी वहां का रोज का काम है ये। क्या आनंद? कुछ नहीं सर, वो कांस्टेबल शाम पेट्रोलिंग पे था तो उसे पता चला कि उस मोहल्ले में एक मुर्गा मर गया है चुड़ैल के प्रकोप। सर अब मोहल्ले वाले आलोक के बेटे को चुड़ैल बता रहे हैं। जब से मुझे इस केस के बारे में पता चला है तब से अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो इस अंधविश्वास के चलते कोई बड़ा कांड हो जाए और बात डिपार्टमेंट में आ जाए। इस केस को बिल्कुल लाइटली मतलब, जाके पता करो कि मुर्गा ही मरा है या बात कुछ और है। Okay. और ओ मैडम कहाँ? नजरें चुरा के भाग रही हो मुझसे? अब मुझसे क्या फायदा है तुझे? वो लती का तो ऊपर पहुंच गई ना, अब आगे कोई काम नहीं करने वाली मैं तेरा। सुन तुझसे कुछ करवाना भी नहीं है ठीक है, मेरे पैसे निकाल। कौन सा पैसा? चल हट। जिस रात लतिका की मौत हुई थी उसके अगले दिन से ही घर की मेड जया ने काम पे आना बंद कर दिया। जी हाँ सर, फैमिली ने बताया था कि वो छुट्टी लेकर गाँव गई थी। मैंने जया से फोन पे बात की थी, उसने कंफर्म किया कि वो छुट्टी लेकर ही गाँव गई थी, वो गायब नहीं हुई थी। फिर लतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किसी पे शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कोई चुड़ैल देख के हार्ट अटैक से मर जाए, ये कहानी अटपटी लग रही है मुझे। सर मैंने मोहल्ले में पूछताछ की है, सर वहाँ पे मुर्गा ही मरा था, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग आलोक के परिवार को वहां से निकालने की बात करने लगे। सर वो लोग आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। ठीक। प्रणाम करता हूं भैया, देखकर अच्छा लगा अभी तक जिंदा है आप। तो क्या समझे? तूने मेरे बेटा बेटी को मारा है ना? तो साबित करके दिखाई। देख मेरा सगा भाई है इसीलिए चुप बैठा हूं, वरना तो बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए ना, दे दीजिए मुझे जो चाहिए। बड़ा भाई होने का फर्ज निभाऊं? साहब आप लोग ही कुछ कीजिए, वो चुड़ैल और कोई नहीं आलोक का बेटा संचित ही है। क्यों भाई लोग? हां एकदम सही बात है सर। देखिए ये बात सही है कि वो औरतों के भेष में रहता है, पर आप लोगों ने कभी उसको किसी को मारते हुए देखा है या कुछ ऐसा करते हुए देखा है जो गैर कानूनी? साहब वो जो भी करता है रात में ही करता है, सारे इलाके में लोग बाग डरे हुए हैं, आप उन पे सख्ती बरती है। देखिए अभी आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। पापा पानी लीजिए। पापा किसने किया ये? पापा आप बता क्यों नहीं रहे किसने किया ये? शुक्र मनाओ कि जान बच गई, उस आत्मा को कंट्रोल कर लिया मैंने। तू अपनी बकवास बंद कर, कौशिक किसको ले जा किसी दिमाग के डॉक्टर के पास। पापा बात मानो मेरी। सर इस बच्चे का थोड़ा दिमाग खिसक गया और कोई बात नहीं है, आप भी सर मोहल्ले वालों की बातें सुनकर के भूत चुड़ैल पे विश्वास कर रहे हैं? देखिए मैं तो इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर। तो सर आप मान रहे हैं कि ये मर्डर है? हमारे यहाँ रहते हुए लाश मिली, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। नहीं सर मैं भी पहले किसी भूत पे भरोसा नहीं करता था, आई एम वेल एजुकेटेड मैन, आई हैव डन एमबीए, लेकिन देखिए ऐसा क्या हुआ जो तुमने इस तरह से जनाना भेष में रहना शुरू कर दिया? सर ये सब मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए किया, ताकि उन्हें कोई आंच ना आए। फिर भी माँ तो चली गई तुम्हारी, ये उपाय कैसे सोचा तुम्हें, किसी तांत्रिक मंत्र के चक्कर में? कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है सर, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं सिर्फ अपने घर वालों को बचाना चाहता था सर। एक घंटा पहले तो सब कुछ ठीक था, मम्मी पूजा करने बैठी थी और फिर अचानक ये सब क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आपके घर में जो मेड काम करती है वो कहाँ है? जया सर जब मम्मी पूजा करने बैठी थी जया तो तभी चली गई थी। सर मैंने जया के सीडीआर निकाले तो उसमें राजन नाम के लड़के का नंबर मिला, और सरप्राइजिंग बात यह है कि मैंने पहले जब लतिका के सीडीआर निकाले थे
तो उसमें भी इसी राजन का नंबर मिला था। है कौन ये राजन? ये लतिका का कॉलेज का दोस्त है सर। लतिका की मौत के वक्त मैंने इससे भी इंक्वायरी की थी। लतिका की मौत से पहले आखिरी बात तुम्हारी हुई थी ना लतिका के साथ? हाँ सर। इसने कहा था कि लतिका के साथ इसका अफेयर चल रहा है, लेकिन सर लतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का फाउल प्ले तो मिला ही नहीं था। लेकिन लतिका के घर की मेल लतिका के बॉयफ्रेंड के टच में क्यों थी? इन सब सवालों को जोड़ने की कोशिश नहीं की तुमने? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे कुछ भी थी, पर इन सवालों को कैसे नजरअंदाज कर गए? लाओ जया को और राजन को भी। अरे अभी अभी माजी की मौत हुई और तुम कह रहे हो कि तुमसे मिलने आ जाओ, अभी कैसे निकल सकती हूँ मैं? देख बहुत घुमा रही है तू मुझे, ये कांड होने से पहले ही भागाना था ना वहां से। अपनी अक्कल लगाना बंद करो, अगर मैं अभी घर से भागी ना तो पूरा शक मुझ पे आ जाएगा, समझती क्यों? हाँ अच्छा ठीक है देख लेना। हाँ ठीक है अच्छा। किससे बात कर रही थी? भाई से। मेरे भाई को ना माजी की मौत का सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर वो अभी कोलकाता में है ना तो आ नहीं सकता। सब मैंने कुछ नहीं किया, वो तो राजन मुझसे लतिका के पहने हुए कपड़े मंगवाना चाहता था इसीलिए मुझसे मिला था, और साहब मैंने उसे लतिका के पहने हुए कपड़े लाकर दिए थे बस। लतिका के पहने हुए कपड़े क्यों? सब मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे पैसे दिए और मैंने लतिका के कपड़े चुरा कर उसको दिए थे। साहब मैं सच बोल रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती साहब। देखो अगर सब कुछ भी राजन गायब हो गया, ये झूठ बोल रही है। कहाँ है राजन? रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, बॉडी में ड्रग पॉइजन कुछ भी नहीं मिला। इस रिपोर्ट के बेसिस पे इसे भी मर्डर केस नहीं माना जा सकता सर। लतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब बेटी की तरह माँ भी मरी। जी हाँ सर, और अब तो मोहल्ले में ये अफवाह उड़ रही है कि लतिका की तरह उसकी माँ ने भी किसी चुड़ैल को देख लिया होगा और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये केस जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। मुश्किल तो ये है सर कि आप किस बेसिस पे हम इसे एक मर्डर केस मान सकते हैं, जबकि दोनों में से किसी को भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम मान भी लें कि ये मर्डर नहीं है तो राजन क्यों गायब? सर मैंने आलोक के परिवार के बारे में सब कुछ पता किया है सर। 3 साल पहले तक वो लोग शहर में रहते थे सर, वो लोग वहां पे एक जॉइंट फैमिली में थे जिसमें आलोक और उसके छोटे भाई शाश्वत का परिवार था। सर आलोक और शाश्वत ने एक बिजनेस शुरू किया था सर, अचानक से आलोक अपने परिवार को लेकर बिजनेस और शहर दोनों छोड़कर गांव में आ गया और वहां आकर खेतीबाड़ी करने लगा। आलोक का अपने भाई के साथ कोई झगड़ा? सर ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि सर अब वो बिजनेस आलोक के छोटे भाई शाश्वत के नाम पर। लेकिन सर एक बात बहुत अजीब, पिछले 1 साल में आलोक के खेतों में खड़ी फसल जला दी गई है सर, उसके खिलाफ आलोक ने कभी भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। आलोक के छोटे भाई के बारे में सब कुछ पता करो और आलोक से भी मिलना होगा। सर खेतों के पास एक लाश मिली। फसल के बीज लेने गया था कौशिक और अचानक से कुछ नहीं हो रहा है आलोक जी, जो भी हो रहा है पिछले 1.5 साल से हो रहा है। पहले आपका छोटा बेटा गल, आप किसी पे शक भी जाहिर नहीं कर रहे। गम्मू लतिका और शांति की मौत में तो शक करने जैसा था, क्योंकि वो घर में रहते हुए ही आपकी बेटी लतिका का एक राजन नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और राजन आपकी पत्नी की मौत के बाद से गायब है। नहीं, मेरी बेटी लतिका का किसी लड़के से? आलोक जी क्यों आके मुंदे बैठे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो आपका मछला बेटा संचित कर रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। और आपका छोटा भाई साशु, उसके साथ तो आपका झगड़ा भी हुआ, उस पर भी शक नहीं है आपको? पहले नहीं था, लेकिन
अब ख्याल आ रहा है कि शायद उसने ही कौशिक को, जबकि उसने जालसाजी से मेरा पूरा व्यापार हड़प लिया। आपका बेटा संचित किसकी आत्मा की बात करता है ये तो पता होगा आपको। मुझे नहीं मालूम साहब, पता नहीं उसे क्या हो गया। देखिए आलोक जी, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें संचित से हमारे तरीके से उठवाना पड़ेगा। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप बेफिजूल उठा के लाए सर। संचित देख, जो अभी पूछना तेरे से सर सच बोलना, नहीं तो ऐसी रास लीला रचेगी तेरे साथ, तेरे हाथ पैर सब टूट जाए। सर मार दो मुझे, एक काम करो सर मार दो मुझे, वैसे भी उस आत्मा ने मुझे छोड़ना नहीं है। कौन आत्मा? कोई नहीं। कौन आत्मा? धीरे सर, वो सुन लेगी सर। सर मुझे ना एक आत्मा दिखती है, उसने मुझसे कहा है अगर मैं ऐसे तैयार होकर नहीं घूमूंगा ना तो वो सबको मार देगी सर। पर तू तो ऐसे तैयार होकर बहुत दिनों से घूम रहे हैं, फिर भी एक के बाद एक मर रहे हैं ना तेरे परिवार में लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू ही मार रहा है सब? मैं क्यों मारूंगा सर, मैंने नहीं मारा सर, भूल हो जाती है कभी कभी सर। कैसे भूल? सर जैसे सर मैं तैयार होने में या अंगूठी पहनना भूल गया, या ये कान का पहनना भूल गया, या सर, लेकिन अब सर मुझे सब याद रहता है सर, मैं अभी सब सेफ है सर, अभी कोई नहीं मरेगा। सर कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके पेट पर किसी धारदार हथियार से वार करके उसे मारा गया, उसके बाद उसके पेट को फाड़ा गया, उसके पेट में नाखूनों के टुकड़े मिले हैं सर। फॉरेंसिक का मानना है कि वो नाखूनों के टुकड़े किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के, ये भी तक कंफर्म नहीं। हमें इस केस के हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। देखिए ना तो मैंने अपने बड़े भाई आलोक के साथ कोई बुरा किया है और ना ही उनके परिवार में होने वाली मौतों से मेरा कोई लेना देना है। उस बिजनेस में आलोक का जितना हिस्सा था मैंने उसे दे दिया था, लेकिन वो गांव वाले मकान पर कब्जा किए हुए थे, इसलिए उस मकान से निकालने के लिए ये आत्मा का चक्कर रचा तुमने। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तेवर बहुत है शाश्वत के, ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है जैसे इसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं हो पाएगा। पता करो जिस दिन कौशिक का मर्डर हुआ था ये इससे जुड़ा कोई आदमी उस एरिया में था क्या? जी सर, लेकिन सर इसमें मुझे एक और एंगल दिखाई दे रहा है। इस कीर्ति के CDR देखे मैंने कि दिव्यांशु नाम के एक लड़के के साथ काफी टच में थी। कौन दिव्यांशु? शादी से पहले कीर्ति के साथ इसका अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी पति के रहते हुए कीर्ति इसके साथ काफी टच में। पापा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए कुछ खा लीजिए। जी कीर्ति कहाँ है? फिर बुलाइए, बड़े साहब ने बुलाया। कीर्ति भाभी तो मार्केट गई हुई है। ये कीर्ति अचानक से गायब हो गई है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। और दिव्यांशु? उसका फोन चालू है। उठाओ उसको, वही बताएगा कि कीर्ति कहाँ गायब है। ओके सर। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ सर कि अचानक कीर्ति कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई? तूने उसको गायब कर दिया? नहीं सर, मैं कौशिक तुम दोनों ने किया है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और कीर्ति का भी मुझे नहीं पता सर कहाँ चली गई वो, कसम से सर मुझे नहीं पता। दिव्यांशु से लेकर कीर्ति के मायके और उनसे जुड़े हर इंसान को पुलिस खंगाल चुकी थी, लेकिन कीर्ति के गायब होने का रहस्य पता ही नहीं चल रहा था। वहीं लतिका के बॉयफ्रेंड राजन के गायब होने की पहेली भी पुलिस को उलझा रही थी। आलोक का भाई शाश्वत भी प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन एक के बाद एक हो रहे इन कत्लों का राज और भी गहरा होता जा रहा था। अफवाहें और भी गर्म होती जा रही थी कि ये कत्ल कोई इंसान नहीं कोई आत्मा कर रही थी। आनंद बोलो। सर हम लोग राजन को खांडवा में ढूंढ रहे थे, अपने एक खबरी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पास ही के गांव में अपने एक दोस्त के घर छुपा हुआ है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो लतिका से प्यार करता था। फिर लतिका के कपड़ों के साथ कौन सी अवस पूरी कर रहा था? वो कपड़े तो मैंने इसलिए हासिल किए थे ताकि लतिका को हासिल कर सकूं, उसने मेरे से ब्रेकअप किया था साहब। फिर एक दिन मैंने इंटरनेट पे वशीकरण विधा के बारे में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आप किसी के कपड़ों से उसको वशीभूत कर सकते हो। अब वो वशीभूत नहीं हुई तो मार दिया उसको और उसके बाद उसके घर वालों को भी? नहीं साहब मैंने किसी को नहीं मारा। ये राजन संचित से कम अजीब नहीं है,
पता करो राजन का किसी तांत्रिक वांत्रिक से कोई चक्कर है। ओके सर। सर सर ये आलोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर खाने से ही हुई है। अब यह जहर उसने खुद खाया या किसी ने उसे जबरदस्ती खिलाया, बस ये कंफर्म नहीं। उस वक्त घर में सिर्फ दो लोग थे, संचित और पूजा। काम इन दोनों ने किया होगा या फिर कोई बाहर से आया। अभी तक की इंक्वायरी में वहां किसी संदिग्ध के देखे जाने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, पर मैंने संचित के बारे में पता किया। आलोक जब शहर में रहता था तो संचित उनके साथ नहीं रहता था, संचित कानपुर में पढ़ाई कर रहा था, और जब वो गांव में आया तो पूजा के साथ उसकी शादी हो गई। पूजा के परिवार वाले कहाँ हैं? इतना कुछ हो गया उसके मायके से कोई आया नहीं? सर पूजा का परिवार नहीं है, वो अनाथ है, उसने मुझे बताया था। पूजा अनाथ है तो संचित की जिंदगी में कैसे है? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह सर कि मैंने संचित के बारे में उसके कानपुर के दोस्तों से पता किया था। संचित का कानपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ अफेयर चला था, अनामिका नाम है उसका, और इन दोनों ने अनामिका के पिता के खिलाफ जाके शादी भी की थी। मतलब पूजा संचित की दूसरी वाइफ है, तो उसकी पहली वाइफ अनामिका कहाँ? ये तूने अच्छा नहीं किया बेटी, उस लड़के के चक्कर में अपने बाप को। अच्छा नहीं किया बेटी तुमने। हमें पूजा नाम की लड़की के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए, जो आपके इसी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। ये है पूजा जी। ये पूजा यहीं पली बड़ी है, लेकिन इसकी मौत तो काफी पहले हो गई थी सर। मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूजा पिछले 3 साल से संचित नाम के आदमी की वाइफ बनकर रह रही है। ये कैसे हो सकता है सर? इसकी मौत तो एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले हो गई थी। हाँ, प्यार करती थी वो संचित के साथ, और उसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया। आपकी बेटी अनामिका है कहाँ? मालूम नहीं, लेकिन जब से वो उस लड़के के साथ भागी है उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गया। तुम कह रहे हो अनामिका 3 साल से गायब है, और मैंने अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड चेक किए थे, उसके हिसाब से पूजा एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले ही मारी गई। तो सर जिसके साथ संचित का परिवार रह रहा था वो पूजा ही थी या कोई आत्मा? सर संचित की लाश मिली है। What? लेकिन संचित की पहली बीवी अनामिका कहाँ थी और कीर्ति वो कहाँ थी? सर संचित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सर उसके ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। फॉरेंसिक का कहना है कि वो काफी लंबे टाइम से ड्रग्स ले रहा होगा। ड्रग्स ले रहा होगा या उसको ड्रग्स दी जा रही होगी? अनामिका उसकी जिंदगी में आई, अनामिका कहाँ है अभी तक पता नहीं चला है, और पूजा भी एक रहस्य बनी हुई है, और कीर्ति की कहानी भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। सर पूजा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर है जो अक्सर अनाथ आश्रम वाले एरिया में एक्टिव रहता है। जाहिर सी बात है कोई आत्मा तो फोन करेगी नहीं। आई एम श्योर ये अनाथ आश्रम वाले कुछ हमसे छिपा रहे हैं। सर कानपुर पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। अनामिका के पिता शिवेंदु की एक और बेटी है पोमिला, जो कनाडा में रहती है, और ये पोमिला कोई और नहीं पूजा ही है। ये पूजा 3 साल पहले कनाडा से इंडिया आई है, और अब कानपुर पुलिस से पता चला है कि इसको दोबारा से कनाडा का वीज़ा मिला, और इसके साथ साथ इसके बाप शिवेंदु को भी कनाडा का वीज़ा मिला। मतलब दोनों बाप बेटी कनाडा भागने की तरह। शिवेंदु का फोन दिल्ली के चाणक्यपुरी में बंद हुआ था। हो सकता है वो वहाँ किसी होटल में रुके हों और दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा के लिए फ्लाइट लेने वाले हों। दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट भेजो और चाणक्यपुरी के हर होटल में इंक्वायरी करो एट फास्ट। ओके सर। वर्मा क्विक। सर दोनों बाप बेटी ब्लू स्टार होटल में रुके थे, थोड़ी देर पहले होटल की कैब से निकले, कैब में GPRS है सर। क्या तरीका ये? पकड़ो इसे। चलो अंदर।
पूजा उर्फ पलोमा दास, तुम्हारे अनाथ आश्रम की डायरेक्टर से मिले हैं, बताया उसने कैसे उसने तुम्हें पूजा की पहचान की? क्या लगा तुम्हें तुम्हारी आत्मा वाली बात पर हम विश्वास कर लेंगे? तुम मुझे अंदर करवाना चाहती हो क्या? तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन अनामिका, वो भी संचित की पत्नी थी, लेकिन एक धोखा दिया था संचित ने उसे, अनामिका से शादी की और फिर उसे छोड़कर चला गया। अनामिका मेरी बात समझने की कोशिश करो यार, एक तो तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हो ना, मेरे चाचा ने पापा का बिजनेस हथिया लिया है, अभी पापा ऑलरेडी टेंशन में, कैसे बताऊं उन्हें कि हमने शादी कर ली है? मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा को छोड़ दिया और तुमने अब तक अपने घर पे ये भी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझे धोखा दिया। अनामिका ने मुझे कई बार फोन पर बताया था कि संचित उसे धोखा दे रहा था, संचित की वजह से मेरी बहन ने सुसाइड किया था, इसीलिए मैं संचित से बदला लेना चाहती हूँ। और पलोमा ने मुझे कॉल किया और सब कुछ बता दिया और फिर हमने एक प्लान बनाया। और प्लान के अकॉर्डिंग मैं इंडिया आई, पूजा बनकर संचित की लाइफ में एंट्री किया। संचित कहता था कि उसको आत्मा दिखाई देती है, कैसे? ये भी मेरा ही आइडिया था। मैंने एक करतब करने वाली लड़की को हायर किया था। करतब करने वाली लड़की? हाँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो फुर्ती से जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और संचित को लगे कि अनामिका की आत्मा है। हाँ। कन्नू मरा तो झूठी अनामिका की आत्मा का साया संचित से कहने लगा कि अगर वो औरत बनकर रहेगा तो वो और उसकी फैमिली मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। हाँ, और आपको लगे कि ये सब कीर्ति ने किया है? आलोक और संचित को भी तुम्ही ने मारना तो मैं उन दोनों को भी चाहती थी। ड्रामा तो काफी किया तुमने, ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ी होगी। उसका भी इंतजाम हो गया था, जीवन राम मिल्डर उस गांव में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लेना चाहता था, लेकिन आलोक समेत गांव के सारे लोग अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहते थे। मैंने बिल्डर को यकीन दिलाया कि मैं इस इलाके के सभी लोगों को यकीन दिलाऊंगी कि यहाँ पर भूत है, सभी अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे। बिल्डर को मेरा प्लान पसंद आया सो उसने मेरा ये प्लान फाइनेंस कर दिया। इस केस की कहानी अपने आप में किसी सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल के प्लॉट से कम नहीं है, लेकिन अपराध की योजना बनाने वाला दिमाग भी अक्सर अपनी कल्पना को एक हकीकत की शक्ल देने की कोशिश करता है कि उसने एक परफेक्ट क्राइम का एक परफेक्ट ताना बाना बुना था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, क्राइम नेवर पेज। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।